गेंदबाजी करेंगे संजू पर जरूर हम चाहेंगे कि आशापुर 11 ने एक अतिरिक्त खिलाड़ी को आप यहां पर भेज दीजिए, अन्यथा हमें सूचना मिली है कि -5 रन किए जाएंगे। सागर देखिए, हम एक ऐसे शख्स के पास हमारे उभरते हुए भैरव सिंह जी कहाँ पे हैं। मैं चाहूंगा भैरव सिंह जी भी यहाँ पे आए और रतन सिंह जी आपका इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, माला जो बनती है वो मोतियों से बनती है, तो हमारे साथ मोती सिंह जी भी हैं। मोती सिंह जी कह रहे हैं मैं फोन पे भिजी हूँ सर, मत पूछिए हमसे कुछ, मत पूछिए, मैं तो खुद हाल पूछ रहा हूँ, चाल पूछ रहा हूँ किसी का। उभरते हुए नेता भैरव सिंह जी, रतन सिंह जी कह रहे हैं, क्योंकि मुझे घर भी जाना है, मैं अपनी सुरक्षा पहले करता हूँ। भैरव सिंह जी कहाँ पे बैठे हैं? स्टेज पे बैठे हैं। पहली गेंद पैरों पर थी, ऑन साइड की दिशा में खेला और इसी के साथ खाता खोलते हुए, जी हाँ कैप्टन ने खुद वहां पर गेंद को रोका था पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। देवसा और नरेंद्र दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज बीच मैदान पर, और संजू गेंदबाजी करते हुए दरख्वास्त है ये लास्ट कॉल रहेगा आशापुर 11, यदि अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं आता है तो -5 रन किए जाएंगे अगली 2 गेंदों में। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम द कमेटी, थैंक यू। चलिए है काफी हद तक निर्णय उस टीम के पक्ष में रहा है, क्योंकि ये आज जो मैदान है, ये आज जो पिच बनाई गई है, गेंदबाजों को आज काफी मदद मिल रही है। बहरहाल बाएं हाथ के गेंदबाज, और ये लीजिए, जैसे ही हमने कहा कि किफायती गेंदबाजी तो संजू ने कहा मैं हूं ना, हालांकि ये डायलॉग शाहरुख खान का है पर संजू ने अपना वहां पर दम दिखाया और पहले विकेट का पतन होता हुआ क्लीन बोल्ड हुए। यू मिस आई हिट, जिसे हम कहते हैं क्रिकेट की भाषा में पहले विकेट। रखी थी बल्लेबाज का बल्ला घुमा पर गेंद जाकर सीधा टकराई थी स्टंप्स पर, पहला विकेट 1 रन के योग पर, और नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए चेतन, जी हाँ प्यार से इन्हें सभी दोस्त कहते हैं पर कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजी में तंग करते हैं गेंदबाजों को। बहरहाल बल्ला घुमाया जरूर था, लेग बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ जाएगा, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती तौर पर एक विकेट मिली है संजू को, एक ऐसा अस्त्र जिसे हम अक्सर कहते हैं ब्रह्मास्त्र चलाते हैं सभी देवगण। यहां पर हिम्मत सिंह ने काफी हिम्मत के साथ अपने मुख्य गेंदबाज को बुलाया और जानते थे कि यदि इन्हें लाते हैं तो पहले ओवर में 1 का 2 विकेट मिल जाएंगे, और आते संगी अपना काम किया संजू ने, क्लीन बोल्ड किया था। बहरहाल दोनों ही बल्लेबाज ऑफ द मार्क हुए जरूर है पर कहीं ना कहीं देवसा 1 रन बनाकर एक गेंद पर स्ट्राइक पर हो गए। बाएं हाथ के गेंदबाज सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज, बिल्कुल। और सागर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जो इस मेवाड़ छत्री राजपूत परिषद मुंबई द्वारा MRPL 2022 सीजन 2 का आयोजन हुआ है, उसमें काफी यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, माताएं बहनें बहुत सारी आई हुई हैं, उनसे भी जुड़ने का मौका मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे देखिए नींबू पानी पीते हुए, शरबत पीते हुए मैच का आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मंजीत सिंह। क्या बात है, छोटा बच्चा कह रहा है प्यार से मेरा नाम मंजीत सिंह। बेटा अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, आपका क्या नाम है? ये बोल रही है मुझे पहले नींबू पानी पी लेने दीजिए, उसके बाद मैं बात यहाँ पर करने वाली हूँ। मेरा भाई बोल रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है अंकल आपको? ऐसा ये छोटी बच्ची बोल रही है, लेकिन कैप मुंह में मत डालो बेटा। बच्चों आप लोगों से बात करेंगे, क्या नाम है बेटा? प्रिया। प्रिया आप पानी पिया 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 कि नहीं?
बोलो, कुछ नहीं मिला आपको? क्यों नहीं मिला बेटा, क्यों नहीं मिला? तो मम्मी की तरफ इशारा कर रही है कि मम्मी ने नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, आपके घर से कौन आया है? पापा आए हैं यहाँ पे बेटा? हाँ, बस मम्मी आई है। भाई आया आपका? भाई भी नहीं आया है। इस प्यारी बच्चे को भी शरबत पीजिए भाई, बहुत जरूरी है। चलिए बा, आप लोगों से भी बात करेंगे। और आप लोगों को कैसा लग रहा है मैच? अच्छा लग रहा है। पूरे जितने भी मेवाड़ लोग हैं सभी लोग लगभग जुटे हैं, सभी परिवार एक साथ आते हैं। और आप लोग अपने घरों में रहती हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता है। और जब यहाँ पर आप सभी लोग आती हैं तो एक दूसरे के साथ आप लोगों को जोड़ने का मौका जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ जोड़ने का मौका लगता है कि इससे एक दूसरे से परिचित होने का एक चांस सबको मिल जाता है, अच्छा होता है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो ही ज्यादा बातें करेंगे, मैम अपना नाम बता दीजिए। ममता सिसोदिया। ममता सिसोदिया जी, और कैसा लग रहा है यहाँ पर? सभी लोग जितने देखिए, सभी बहुत सारी लेडीज हैं, लोग घर में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक दिन एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिलता है, अच्छा लग रहा है। अभी भोजन का काउंटर तो ओपन नहीं है, नींबू शरबत जी और पूरे आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां चाहिए, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और सागर एक बार स्कोर। बहरहाल इसी बीच एक बहुत ही बड़ा गगनचुंबी सिक्स लगाया है शैतान ने, और कुल मिला के स्कोर है 11 रन एक विकेट के नुकसान पर। सागर किसने किसने सिक्स लगाया है जी? इनको इनके टीममेट्स और सभी दोस्त शैतान के नाम से जानते हैं। अच्छा, वो भी मैं सोचा, मैं बच्चों से बात कर रहा था और मैदान में कौन उतर आया भाई इतनी जल्दी? शैतान है उनका नाम है, प्यार से उन्हें बुलाया जाता है। आप लोगों का नाम क्या नाम है आपका? मीना सिसोदिया। और आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? आपके घर का कोई खेल रहा है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं खेल रहा है। हिम्बल सिंह, हिम्मत सिंह जी, हिम्मत सिंह जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए परिवार के, जब ऐसे सदस्य सभी लोग यहाँ पे आते हैं। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए होनी चाहिए, आप सभी के लिए, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे उनके लिए, भाई बहने आप सभी के लिए तालियां, और तालियां होनी चाहिए क्योंकि आपका सपोर्ट आप यहाँ पर सबको मिल रहा है। बेटा आपका नाम? दर्शना करवड़। दर्शना, दर्शना नाश्ते का दर्शन हुआ बेटा? हाँ। हाँ ना, अच्छा नाश्ते में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? इडली। इडली, इडली सही सही बोल रही है। और सागर एक बार स्कोर बता दीजिए, फिर बात जारी रहेगी। बहरहाल स्कोर है 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के गेंदबाज ने आकर गेंद डाली जरूर, और गेंद को उसी गति के साथ भेजा है बाउंड्री लाइन के करीब, और गेंद निकल भी जाएगी दो बाउंस के बाद 4 रनों के लिए, यानी कि कुल मिला के स्कोर हो चुका है 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। मीना यहाँ पे बैठी हैं, और आपके घर का कोई सदस्य यहाँ पे खेल रहा है? मेरे दो भैया खेल रहे हैं। दो भैया खेल रहे हैं, क्या नाम है लोगों का? एक भैया है इंदर सिंह मौजावत और दूसरे है केसर सिंह दुलावत। केसर भी बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं दोनों भैया। जब भैया लोग बैठे हैं तो बिल्कुल सुरक्षित, जैसे कर्णी सेना है तो सभी लोग सुरक्षित है, मेवाड़ के लोग हैं तो सभी लोग सुरक्षित है। क्रिकेट आपको पसंद है? बिल्कुल क्रिकेट पसंद। आईपीएल भी देखते हैं? आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी आपकी? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। और राजस्थान टीम इस बार बहुत अच्छी, बहुत अच्छा खेलती है, बहुत अच्छा। आईपीएल की ट्रॉफी आने वाली है? इस बार आएगी, इस बार आने वाली है, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए। आपका नाम? टीना उदावत। टीना उदावत, टीना उदावत, सेम टीम राजस्थान रॉयल्स आपको पसंद है? नहीं, कौन सी टीम पसंद है? सीएसके। CSK पसंद है, इनके बगल में बैठी हैं, अपनी सुरक्षा ध्यान दीजिए। तो राजस्थान पसंद है, आप दोनों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा। एक बार सागर जी स्कोर।
बहरहाल ओवर की समाप्ति हुई है, कुल मिला के स्कोर हुआ है बल्लेबाजी करते हुए दो ओवर के बाद 18 रन एक विकेट के नुकसान पर। अगला मुकाबला खेला जाएगा पराग 11 और किंग ऑफ मेवाड़, दोनों ही कैप्टन से दरख्वास्त है तैयार रहिएगा, मिड इनिंग्स में टॉस किया जाएगा। बैक टू मनोज सर। बिल्कुल, और देखिए एक यहाँ पे ट्रस्टी भी है मैम, क्या नाम है आपका? भगवती माधव। भगवती लीजिए, नवरात्र बीता है, नवमी बीती है, भगवती माता की जय हो। भगवती जी जो कि ट्रस्टी भी है और आपकी टीम जीती है, और क्या लग रहा है ये जो ट्रॉफी है आज आपकी टीम की तरफ मेवाड़ की तरफ जाने वाली है? जाने वाली है, जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और उम्मीद करते हैं राजस्थान की एक जो परंपरा है हाँ सबकी तरफ चलते हैं। और यहाँ पर देखिए आप कुछ पीने खाने जा रहे हैं, उसके पहले आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे क्या नाम है आप? मनीषा मोजावत। मनीषा मोजावत, और आप भी नाम बता दीजिए कौन खेल रहा है? इसीलिए पूछ रहा हूँ, तो नाम कौन बताएगा? इन्होंने नाम बताया, इंदर सिंह जी। देखिए मनीषा जी यहाँ पे बैठी हैं, जोरदार तालियां आपके लिए इंदर सिंह जी, आपके लिए शुभकामना। और क्या कहना चाहेंगे इंदर सिंह जी के लिए? जीत चुके हैं, जीत चुके हैं ना, अभी 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 बहुत सारे मैच हैं, आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे? फाइनल में जाएंगे और जीत जाएंगे, फाइनल में जाएंगे जीत जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस। एक बार जोरदार तालियां मनीषा जी के लिए, जोरदार तालियां आप सभी के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए। एक यहाँ पे आप फोटो ले लीजिए, एक छोटा इंटरव्यू बच्चों के साथ, उसके बाद फिर वापसी। लेकिन सागर रन। धन्यवाद मनोज सर, जरूर चाहेंगे कि कमिटी मेंबर्स ने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो मैं चाहूंगा आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। इसी बीच अतिरिक्त रन मिलता हुआ गेंदबाजी की शुरुआत की है कवर जी ने, कुल मिला के स्कोर है 21 रन एक विकेट के नुकसान पर, 2.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। निर्धारित 25 मिनट के भीतर 25 इनिंग्स की हमें समाप्ति करनी है, यानी कि पहली इनिंग्स जो है 25 मिनट के अंतराल पर हमें समाप्त करनी होगी। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर 22 रन एक विकेट के नुकसान पर, पराग 11 वर्सेज किंग ऑफ मेवाड़, इनके बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। टॉस के लिए मैं जरूर आमंत्रित करना चाहूंगा, दोनों ही कैप्टेंस तैयार रहिएगा मिड इनिंग्स में। इसी बीच एक रोमांचक मैच जरूर होने वाला है, जिस अंदाज से बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे ये दोनों ही बल्लेबाज, बल्ला घुमाया, बल्ले का निचला सिरा लगा डीप बैकवर्ड के दिशा में, गेंद गई, मात्र एक रन तक ही सीमित रखा। चार नंबर की जर्जी में खिलाड़ी जरूर थे, पर मात्र उनकी जो आशंका थी उन्होंने बल्लेबाजों को सीमित रखा एक रन तक, 23 रन एक विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, और सागर जी 23 रन एक विकेट के नुकसान पर जी, आपका नाम? किरण सुहावत। किरण सुहावत, मैं भी सोच रहा था इतना प्रकाश कहाँ से आ गया, चमक कहाँ से आ गया, पता चला कि किरण जी यहाँ पे है। किरण जी आपके घर का भी कोई यहाँ पे खेल रहा है? आपके हस्बैंड, नाम बताना चाहेंगे? हाँ, यही तो हमारी भारतीय परंपरा है, पति का नाम बहुत सारे लोग नहीं लेते, वो भी अच्छी परंपरा है, एक सम्मान था, और ये सम्मान और ये परंपरा बड़ी हमें गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे राजस्थान में, हमारी जो माटी की खुशबू है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, अभी भी जीवित है, इसलिए पूरे राजस्थान वासियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए, आपके हस्बैंड खेल रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? फाइनल जीत जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस, कोई ये नहीं कह रहा कि फाइनल जीतेंगे, और मैं शुभकामना देती हूँ कि फाइनल वो जीते, फाइनल जीत जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस आता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम? चंदा सिसोदिया। चंदा की किरण, चंदा और किरण दोनों लोग साथ में बैठी हैं, और आपके घर से कितने लोग यहाँ पे आए हैं? दो भाई खेल रहे हैं, दोनों भाइयों का नाम बता दीजिए। नारायण सिंह, जिनका नाम मैं ले रहा था बड़े प्यार से वीणा बजाते हुए, नारायण सिंह और साथ में जोधराज जी। नारायण सिंह जी के लिए, जोधराज जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बस इन दोनों बच्चों के साथ हमारी भी फोटो ले लीजिए, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम आपका? भवानी सिंह चौहान। भवानी सिंह चौहान, और आपका नाम? किशन। लीजिए भवानी और किशन जी हमारे साथ। इस बीच देखिए सिंगल यहां पर मिलेगा क्या, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज जाएंगे, कोशिश यही है दूसरे रन के लिए, रन आउट का खतरा यहां पे दूर रह गए।
लेकिन अंपायर का इशारा के सुरक्षित पहुंच चुके हैं। सर यहीं पे है ना, क्या नाम है आपका? राजू गुर्जर। राजू जी आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जो अभी फील्डिंग कर रही है उन टीम को सपोर्ट करते हैं। पीछे से जो आपके फ्रेंड बैठे हैं, क्या नाम इनका? हमारे साथ ही आए, हम संजू बन्ना का मैच देखने आए यहाँ पर। अंपायर ये आपके साथ हैं? लेकिन ये तो कह रहे हैं वो राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, ये आपके लिए कह रहे हैं? सही बात बोल रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं, क्या बात है। चलिए आप सभी मेंबर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ नहीं। कोई कुछ कहने वाला है? कुछ नहीं, क्या बात है। चलिए सागर जी, बस अब मैच बड़े अच्छे मोड़ पे है, चलते हैं सीधे कमेंट्री बॉक्स में। सागर जी ओवर टू यू। सागर जी थैंक यू मनोज सर। इसी बीच राइट आर्म राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद, नो बॉल का इशारा मिला है, एक और अतिरिक्त रन मिला है। जरूर थोड़ा सा वहां पर जो प्रेशर बना है बल्लेबाजों का खौफ, क्योंकि इस ओवर में लगातार दो गेंदों पर दो चौके आए थे। जी हाँ दो गेंदों पर दो चौके आए, पर उसके बाद थोड़ी सी लड़खड़ाहट हुई है, गेंदबाजों में प्रेशर बना है। अंपायर से जरूर पूछना चाहेंगे कि दो गेंदों पहले क्या एक रन शॉट लिया गया था? अंपायर नो, दो रन पूरे थे। थैंक यू सो मच, जस्ट कंफर्मेशन करना था। राउंड द विकेट, गेंदबाजी स्लॉट में थी, गेंद धीमी गति की गेंद थी, कनेक्शन बढ़िया नहीं, पर एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे पर मना किया नॉन स्ट्राइकर्स एंड से। जानते हैं कि ऑलरेडी 32 रन की ये 35 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच, और कुल मिला के स्कोर हो चुका है। मेरे साथी स्कोरर जय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 36 रन एक विकेट के नुकसान पर तीन ओवर की समाप्ति पर, यानी कि कुल मिला के 12 रन प्रति ओवर की रन रेट से बल्लेबाजी की शुरुआत हुई है। अच्छा टॉस लूज किया है और बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाया है। 32 ओवर्स में यही चाहेंगे कि हमारे साथ उनके सपोर्टर एक जुड़े हैं, मैं जरूर चाहूंगा आप हमारे साथ यहां पर आइए जी। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, ध्रुव। ध्रुव क्या लगता है कितना रन्स बनाएंगे आपकी टीम? 40-50 लेके जाना चाहिए। तीन ओवर के बाद स्कोर है 36 रन, तो कुछ माइंड गेम्स रहेगी आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से? अच्छा खेल रहे हैं फिलहाल, ऐसे ही खेलते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच ध्रुव, और मैं जरूर जानना चाहूंगा, रुकिए मेरे साथ। इसी बीच एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, एक रन पूरा किया है, दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर दिया है, काफी अच्छी दौड़। आपके ये कौन से बॉलर रहेंगे जो इस टूर्नामेंट में आपको लगता है कि बेस्ट बॉलिंग उठ के एक पारदर्शक रहेंगे जी आपके टीम से? तो बहुत बॉलर है, एक है निखिल करके है, एक कुमसा करके है, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी अभी इस टारगेट को। ध्रुव मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो ऑर्गेनाइजिंग हुआ है, ये आयोजन किया गया है, कमिटी के लिए आप क्या आपके संदेश देना चाहेंगे? अच्छा है ऐसा, मतलब होना चाहिए, हर साल मिलने का मौका मिलता है, खेलने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच ध्रुव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच स्कोर हो चुका है 38 रन एक विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, सभी सपोर्टर्स पूरी तरह से जी और जान के साथ सपोर्ट करते हैं, और क्यों ना हो जब ऑर्गेनाइजिंग हो। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई द्वारा आयोजित MRPL सीजन 2 की, जी हाँ यस, तब मैच की शुरुआत जरूर हुई है, पर साथ ही साथ भोजन कक्ष शुरू हुआ है, पर सिर्फ पहले महिलाओं के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे, जो माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ी है क्रिकेट मैदान पर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। भोजन कक्ष की शुरुआत की गई है, फर्स्ट लेडीज का भोजन हो जाएगा, उसके बाद ही सभी के लिए भोजन कक्ष शुरू किए जाएंगे। तो उपस्थित सभी जो लेडीज है, माता और बहनें हमारे साथ जुड़ी, आपसे रिक्वेस्ट है मैच के साथ साथ आप भोजन का भी लुफ्त उठाइए। इसी बीच हमें इशारा मिल रहा है अंपायर से, यस थैंक यू सो मच सर। वन रन शॉट, यानी कि अब कुल मिला के स्कोर हो चुका है 40 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी स्टार्ट मिली है, जैसे ध्रुव ने हमें कहा था, जरूर चाहेंगे कि 50 रन पूरे हो। इसी बीच लॉफ्ट शॉट, फील्डर है पर गेंद सीधा निकली दर्शक गणों की ओर,
जो फील्डर थे वो दर्शक बने और दर्शक जो थे वो फील्डर बने, क्या बात है, यही खासियत है। नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल का ये जो पवेलियन बना है इसको दिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे इवेंट के लिए आए वो इस पवेलियन की तरफ भी, जो नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल के पदाधिकारी हैं उनसे बात करें और इसे भी बुक करने की हमेशा कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से पहले तो इसका लुक बिल्कुल जो धर्मशाला का मैदान है वैसा नजर आता है, ऊपर से यहाँ से खेल को देखने का मजा कुछ अलग है और बिल्कुल दिलचस्प नजारा है यहाँ का, सीधे एकदम दिख रहा है कि कैसे बॉल जा रही है, बैट्समैन कैसे खेल रहे हैं। ये पवेलियन बड़ा ही शानदार है, बड़ा जानदार, नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल विरार में ये है, और वहां पर ये ग्राउंड तो खूबसूरत है, हमारे कैमरामैन थोड़े समय के बाद दिखाएंगे, लेकिन साथ में ये जो पवेलियन है इसका क्या कहना जी सागर, वहां पर कुछ इशारा होता हुआ अंपायर का, कुछ पूछ रहे हैं स्कोर कितना हुआ, गेंद कितनी हुई, चार ओवर की समाप्ति, स्कोर है 47 रन एक विकेट के नुकसान पर, 47-1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फोर ओवर्स। बिल्कुल सागर, और देखिए बहुत ही अच्छा, देखिए यहां से ही लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, हमारे कैमरामैन है डीवीएन लाइव के जिनका नाम प्रीत पाटिल जी, देखिए प्रीत पाटिल जी यहां से खूबसूरत इन लम्हों को अपने कैमरे में कैद करके डीवीएन लाइव के सौजन्य से आप तक भेज रहे हैं, और आप सभी लोग इस समय मेवाड़ छत्री राजपूत परिषद मुंबई द्वारा आयोजित MRPL 2022 सीजन 2 का ये लाइव टेलीकास्ट नारंगी ग्राम क्रीड़ा मंडल से देख रहे हैं, मुकाबला चल रहा है। बिना किसी देरी के हम चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, हमारे साथी कमेंटेटर आंखों देखा हाल सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पवेलियन आप लोग सभी लोग देख लीजिए, और जब भी आइए इससे खूबसूरत मैदान क्या होगा, अगर आपको क्रिकेट का इवेंट करना है तो नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल पे जरूर आइए। ये हमारे देखे लाइव टेलीकास्ट के, क्या नाम है सर जी आपका? प्रशांत भगत जी, बहुत ही अच्छी एडिटिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए। चलिए सीधे चलते हैं आप कमेंट्री बॉक्स में सागर की तरफ, ओवर टू यू सागर जी। धन्यवाद मनोज सर, और सबसे पहले मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि जो भोजन कक्ष शुरू किया गया है वो पहले माता और बहनों के लिए है, तो सभी उपस्थित सभी माता और बहनों से निवेदन है कि प्लीज आप पहले भोजन कर लीजिए, आपका भोजन होगा उसी के बाद हम सब यहाँ पर जो है बाकी सभी के लिए भोजन कक्ष शुरू करेंगे। सबसे पहले लेडीज के लिए सम्मान है कि आप पहले भोजन कर लीजिए, रिक्वेस्ट टू ऑल दी लेडीज। बिल्कुल, और सागर जी वैसे भी कल नवरात्र समाप्त हुआ है, पहले कन्या खिलाया जाता है उसके बाद लोग भोजन करते हैं, व्रत तोड़ते हैं, उपवास अपना तोड़ते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले जो यहाँ पर लेडीज है, माता बहने, प्यारे प्यारे छोटी बच्चियां हैं, आप सभी लोग पहले जाए भोजन कक्ष की तरफ, उसके बाद फिर बाकी लोगों का सिलसिला जारी होगा। सागर जी दोनों ही बल्लेबाजों के भीतर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी है, जी हाँ कुल मिला के स्कोर हुआ है इस एक रन की मदद से 52 रन एक विकेट के नुकसान पर, और पार्टनरशिप है 51 रनों की। तो एक बार दिवसा और शैतान के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, 50 रनों की पार्टनरशिप अहम पार्टनरशिप थी, और इस पार्टनरशिप को देखिए सभी सराहना करते हुए ताली बजाते हुए, अच्छी बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो या फिर गेंदबाजी हो उसकी सराहना होती है ताली बजाकर। इसी बीच थोड़ा सा तालमेल में गड़बड़ हुई और देखिए अंततः इस पार्टनरशिप को तोड़ा गया रनआउट के रूप में, पर जी हाँ स्टेज सेट हो चुका है, जानते हैं 50 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर, आसान नहीं होगा जब बल्लेबाजी करने उतरेंगे। दोपहर का सत्र है, सूर्यदेव अपनी कृपा बरसा रहे ऊपर से, आप सभी से निवेदन है नींबू पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेट मत होइए, ये एक मेन मैसेज रहेगा सभी खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल, और कि कोई दिक्कत किसी को, कोई मिक्सअप हो, आप सभी लोग पहले भोजन करके आ जाए उसके बाद बाकी लोगों की बारी आएगी। दिगी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, दिगी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। पटकी हुई गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में मोड़ा है, कोई फील्डर नहीं उस दिशा में, गेंद सरसराकर निकलती हुई, चार रनों के लिए चौका।
इस गेंद पर लगता हुआ 57 रन, दो विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर की गेंदबाज। फिलहाल दिल तो चुराया है इन बल्लेबाजों ने। देवसा 27 रनों पर खेलते हुए 4 चौके, कुल मिला के 16 गेंदों का सामना किया है। फिर एक बार तेज गति से बल्ला घुमाया, वन बाउंस के बाद पहुंची गेंद पर, देखिए सुरक्षित पहुंचे थे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर, एक रन पूरा किया और इसी के साथ पहले इनिंग्स की भी समाप्ति हुई। कुल मिला के स्कोर हुआ है 58 रन, 58 रन लक्ष्य दिया गया है 59 रनों का। मनोज सर, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज टॉस के लिए बीच मैदान पर आ जाइए स्कोरिंग बॉक्स के पास। इट्स बैक टू यू डीजे मयूर। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई आयोजित MRPL 2022 सीजन 2, देखना है कि कौन सी टीम आज चैंपियंस बनकर उभरेगी। पर उसके पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी दुलावत और महामंत्री श्री डूंगर सिंह जी चौहान, इनकी तरफ से उपस्थित सभी प्लेयर्स का, सभी अतिथिगणों का, माता और बहनाओं का स्वागत है MRPL सीजन 2 में। हमारे बीच उपस्थित हो गए मुख्य अतिथि माननीय श्री जे रावल सा, महाराज डोंडेसा और साथ ही साथ माननीय श्री क्षितिज हितेंद्र ठाकुर आमदार, इनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारी जो पूरी कमिटी मेंबर्स की टीम है, हरि सिंह चुंडावत, पन सिंह सोलंकी, गोपाल सिंह राठौड़, मनोहर सिंह चौहान, मोती सिंह राठौड़, गणपत सिंह भाटी, भैरू सिंह सोलंकी, रतन सिंह सोलंकी, हमारी जो पूरी कमिटी मेंबर्स की टीम है, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो इनकी मेहनत ने आज रंग लाया है, और देखिए जब आयोजन हो MRPL सीजन का, ईश्वर सिंह जी ने 1100 रुपए का एक प्यार भरा इनाम दिया है MRPL के लिए। थैंक यू सो मच ईश्वर सिंह जी, आपका तहे दिल से चुंडावत, यस विरार ईस्ट के हमारे ईश्वर सिंह जी, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने 1100 रुपए का इनाम दिया है हमारे कमेटी मेंबर्स को। जो आयोजन किया गया है, इन आयोजन के लिए सभी ने तहे दिल से स्वागत किया है, धन्यवाद दिया है। और साथ ही साथ जो हमारी लाइव ब्रॉडकास्टिंग टीम है DBN लाइव, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ स्कोरर जो DBN लाइव का स्कोरिंग संभाल रहे, कार्तिक और जय हमारे साथ जुड़े हुए दोनों ही स्कोरर्स, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। हमारी पूरी अंपायरिंग पैनल टीम, आसान नहीं होता कड़ी धूप में खड़ा रहकर डिसीजन देना। तो दोस्तों एक बार अंपायरिंग पैनल के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। फेयर डिसीजन और पूरी तरह से जब नारंगी मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन हो, जो हमारे अंपायर्स है पूरी तरह से अपना जी और जान देते हैं, चाहे वो कौन सी भी टीम हो, 100% एफर्ट फॉर द क्रिकेट। और साथ ही साथ DJ मयूर, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। जो आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जो म्यूजिक को बजा रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। मयूर और श्री, इनका जो पूरी टीम है, इनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे सीनियर कमेंटेटर मनोज सर, आपका भी स्वागत है MRPL सीजन 2 में। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा, दोनों ही कैप्टन से रिक्वेस्ट है, टॉस के लिए आ जाइए सर।
इसी बीच सेकेंड इनिंग्स की अब हमें जल्द से जल्द शुरुआत करनी है। आशापुरा इलेवन ने टॉस जीता था। गेंदबाजी का निर्णय पर कहीं ना कहीं पांच ओवर में जो लक्ष्य दिया गया है थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, पर आसान जरूर होगा। क्रिकेट इज नथिंग बट आई एम पॉसिबल। तो चलिए सेकेंड इनिंग्स की हमें शुरुआत करनी है। फील्ड की सजावट जल्द से जल्द की जाए और अगले एक मिनट के भीतर पहली गेंद डाल देनी चाहिए, ये हमें सूचना मिली है कमेटी की ओर से। 25 मिनट के भीतर एक इनिंग की हमें समाप्ति करनी है। थैंक यू सो मच। चलिए दोनों ही बल्लेबाज बीच मैदान पर आ चुके हैं। लक्ष्य काफी बड़ा है पर मुश्किल नहीं है। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया। फील्डर थोड़ा सा पीछे खड़े थे 30 गज दायरे पर। एक रन लेकर दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट की है। एक रन पहली गेंद पर, स्ट्राइक पर हो गई हिम्मत और काफी हिम्मत भरा शॉट खेला है। गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है और यह पहला विकेट। थोड़ा सा वहां पर कमेंटेटर्स कर्ज लगता हुआ। एक रन एक विकेट के नुकसान पर हमारे साथ जुड़े हैं हकीम जी, आपका स्वागत है MRPL सीजन 2 में। क्या लगता है ये जो रनचेस है हो जाएगा? ऑल स्पॉन्सर्स राम सिंह जी सर, वेलकम आपका MRPL सीजन 2 में, आप सभी का स्वागत है। हकीम जी हम आपके साथ फिर एक बार जुड़ेंगे। क्या लगता है ये जो पहला विकेट गिरा और इसके बदौलत अब कितने गेंदों में रनचेज होगा? ये कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में भी, पर ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिस पर आप दाव लगाना चाहेंगे पूरी टीम? कंवर सिंह किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं क्या कुछ हमें आप बता सकते हैं? एक नंबर सुपर करते जगता से। देखिए भरोसा है हकीम जी को अपने साथी खिलाड़ी पर, इसी तरह से भरोसा रखना होता है। और जब भरोसा हो एक दूसरे का तो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो आसानी से सॉल्व हो जाती है। थैंक यू सो मच हकीम जी। इसी बीच बहुत ही तेज तरह स्ट्रोक गैप में 4 रनों के लिए। यहां पर जो भरोसा जताया था हकीम जी, जैसे ही चौका लगा एक प्यार भरी मुस्कुराहट हमें दिखाई दी पूरे खेमे में। और इसी तरह से भरोसा रखना रहता है हमें एक दूसरे पर। और जैसे ही चौका लगा क्या म्यूजिक बजाते हैं डीजे मयूर, पूरी तरह से सभी को नचाते हैं अपने म्यूजिक पर। यहां पर बहरहाल गेंदबाज थोड़ा सा बल्लेबाजों को नचाता हुआ शॉट गेंद रही, पर कुल मिला के स्कोर हो चुका है पहले ओवर के बाद 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में 51 रनों की जरूरत, 51 रन्स नीडेड ऑफ 24 बॉल्स। पीछे इसी तरह से कवर और उनके साथी खिलाड़ी जो है उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी। थोड़ा सा इनिंग्स को एक्सेलरेट करना है हमें। 25 मिनट के भीतर इस इनिंग्स की हमें समाप्ति करनी है और अगला मुकाबला पराग 11 और किंग ऑफ मेवाड़ के बीच खेला जाएगा। तो कैप्टन से निवेदन है कि टॉस के लिए भी आप तैयार रहिएगा। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, निखिल की पहली गेंद ऑन साइड की दिशा में, गेंद को मोड़ा है, तेज गति से पहला रन पूरा किया था पर उतनी ही तेज गति से फील्डर झपटे थे और मात्र एक रन तक ही सीमित रखा।
इसी अंदाज से कुछ बल्लेबाजी करनी होगी। और दूसरी ओर निखिल और उनके जो साथी खिलाड़ी है फील्डिंग में पूरी तरह से अपना 100% एफर्ट देते हुए जानते हैं यदि यहां पर रोका 30-35 रनों के करीब तो नेट रन रेट जो है वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी और लीग मैचेस में जो पॉइंट टेबल है उस पर एक स्थान और आगे बढ़ा जाएगा। बहरहाल स्ट्राइकर्स एंड पर तैयार होते हुए कवर जिन्होंने एक चौका झाड़ा था पिछले ओवर में ओवर द विकेट यॉर्कर लेंथ की गेंद बल्ला अंतिम समय में खोद कर निकाला और देखिए तुरंत कॉल दे पड़े और आसानी से दूसरा रन भी पूरा किया। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच और एक दूसरे पर जो भरोसा है पूरी तरह से जताते हुए कवर और प्रताप ये नाम सुनते ही एक इतिहास हमें याद आ जाता है महाराणा प्रताप जी जिन्होंने पूरी तरह से एक कहते हैं कि मेवाड़ के जान थे और हम सभी के लिए एक प्रोत्साहन है। जब जब धर्म के लिए कोई दिक्कतें आई है तो क्षत्रिय समाज ने आगे बढ़े और जब हम बात करें क्षत्रिय समाज की तो महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी महाराज इन दोनों का जो आशीर्वाद रहा है हम सभी पर ताकि आज जो हम हिंदुस्तान अखंड हिंदुस्तान देख रहे हैं इन दोनों ही राजा जो हम कहें तो हमारे लिए ये भगवान है। इसी बीच गेंदबाजी में फिर एक बार तैयार होते हुए निखिल पटकी हुई गेंद थी क्या मौका बना था जी नहीं लेग स्टंप के बाहर थी वाइड बॉल का इशारा मिला एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ 13 रन एक विकेट के नुकसान पर 21 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। हर गेंद पर कुछ ना कुछ बड़े हिट्स मारने होंगे थोड़ा सा गेंद जो है बाउंड्री लाइन के करीब भेजना होगा बड़ा हिट्स मारने होंगे। पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा विट मिला ड्राइव किया पर सीधा फील्डर के पास एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में नो बॉल का इशारा मिला है नो प्लस वन कुल मिला के 2 रन मिलेंगे पर मौका मिलेगा फ्री हिट का। अब यहां पर थोड़ा सा जो है मन में लड्डू फूटेगा बल्लेबाज के मन में क्योंकि फ्री हिट की गेंद रहेगी तो बल्ला घुमाने का मौका मिलेगा यदि बड़ा हिट आ जाता है तो जो रन रेट है वो कम हो जाएगी रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है 12 रन प्रति ओवर की रन रेट की कोशिश की जाएगी। लोअर गति की गेंद जोरों से बल्ला घुमाया गेंद हवा में खड़ी हुई एक रन पूरा किया और मात्र 1 रन तक ही सीमित रखा। अच्छी गेंद थी इस बार ऑन साइड की दिशा में वाडिश लॉन्गन की ओर खेला गया शॉट देखिए मात्र 1 रन तक ही सीमित रखा। तो आप जान सकते हैं किस अंदाज से बॉडी लैंग्वेज बनी है जब एक बड़ा टारगेट सेट किया गया हो तो जो गेंदबाजी में जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी काफ़ी एक्साइटिंग बन जाती है। 17 रन एक विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर की गेंदबाजी में कुछ इसी अंदाज से बल्लेबाजी की शुरुआत की थी पर जो मिड इनिंग्स थी यानी कि तीसरी और चौथी ओवर में रन्स बनाए थे शॉर्ट पिच गेंद थी स्लोवर डिलीवरी डाली थी वहां पर ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर डाल बैठे जिसके कारणवश एक और बार गेंद डालना होगा फिर एक बार रनअप पर जाना होगा गेंदबाज को थोड़ा सा वहां पर चकमा देना चाहते थे पर खुद ही चकमा खा बैठे वाइड गेंद मिली 18 रन इस 1 रन की मदद से। कवर बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों में 10 रन एक चौका 142 की स्ट्राइक रेट जरूर चाहेंगे कि इसी अंदाज से बल्लेबाजी जो है विक्ट्री के साथ पवेलियन लौटे आगे बढ़कर बड़ा हिट मारना चाहते थे लाइन और लेंथ में एडजस्टमेंट की पर लेग स्टंप के काफी बाहर डाल बैठे गेंद एक और अतिरिक्त रन। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा इसी अंदाज से कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट करना होगा क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि थोड़ा सा दिमाग में भी खेलना जरूरी होता है और फिलहाल बल्लेबाज इसी अंदाज से कुछ इनिंग्स आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद थी और क्या बैट फ्लो जबरदस्त स्ट्रोक 6 रनों के लिए मैक्सिमम
18 गेंदों में 34 रनों की जरूरत, ठीक 12.3 की रन रेट से अब इस इनिंग्स में रनचेज को अंजाम देना होगा। और पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर क्या शॉट लगाया, जो बैट लो था तैयार थे शॉर्ट पिच डिलीवरी के लिए और जैसे ही मौका मिला पाइन लग की दिशा में उस गेंद को टाटा बाय बाय किया 6 रनों के लिए। 25 रन एक विकेट के नुकसान पर कवर बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों में 16 रन, 200 की स्ट्राइक रेट और उनका साथ देते हुए प्रताप 4 गेंदों में 4 रन, 100 रनों की स्ट्राइक रेट है, 4 गेंदों में 4 रन बनाकर स्ट्राइक पर प्रताप। पटकी हुई गेंद थी, फिर एक बार फाइन लेग की दिशा में खेला है, उस ओर कोई फील्डर नहीं, 1-2 बाउंस के बाद गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, बहुत ही जरूरत थी इस चौके की। बॉलर गणपत तैयारी करते हुए पहली गेंद पर चौका बटोर कर स्वागत किया है, स्वैग से स्वागत किया है। और देखिए जैसे ही दूसरी गेंद भी मिली स्लॉट में वाइडिश लॉन्गन की ओर खेला गया स्ट्रोक, दूसरा रन लेना चाहते थे पर मना किया, यहां पर ऐसा लगा कि मानिए गेंदबाज तैयार थे कवर जी के लिए, पर गणपत की अच्छी गेंदबाजी हुई है पर प्रताप थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आकर वो चौका जड़ा, जरूरत थी उस चौके की। कुल मिला के स्कोर हो चुका है इस 1 रन की मदद से 30 रन एक विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर की गेंदबाजी में 16 गेंदों पर 29 रन। जी नहीं, इस तरह के मौके नहीं गवाते, फुल फायर मोर ऑन 6 रन। डग लेवन और किंग ऑफ मेवाड़ दोनों ही टीम के कैप्टन से ये लास्ट कॉल है, टॉस के लिए आप आ जाइए, किंग ऑफ मेवाड़ तैयार है, डग लेवन कैप्टन प्लीज आ जाइए टॉस के लिए। इसे बीच स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, अच्छी गेंद नपितुली गेंदबाजी इस बार वापसी करते हुए चौका खाने के बाद, और मनोहर सिंह जी के हस्ते हम टॉस करेंगे, आमंत्रित करना चाहूंगा मनोहर सिंह सर प्लीज, तो स्वागतम सर MRPL सीजन 2 में। इसी बीच गेंद हवा में जरूर है और फील्डर, जी नहीं आसान नहीं होता पर आपको इस तरह के चांसेस को क्रिएट करना होता है। चलिए हम टॉस के लिए तैयार है, पराग लेवन और किंग ऑफ मेवाड़ के बीच टॉस होता हुआ, पराग लेवन के कैप्टन कॉल करेंगे, टेल्स इज द कॉल, हेड इट इज, सर क्या डिसीजन रहेगा आपका? बॉलिंग, गेंदबाजी का निर्णय लिया है किंग ऑफ मेवाड़, थैंक यू सो मच। और देखिए भाईचारा पूरी तरह से इस टूर्नामेंट में हमें देखने मिलेगा, जीत होगी मेवाड़ की, जीत होगी क्रिकेट की और जीत होगी हम सब की। कुल मिला के स्कोर हो चुका है जय बताते हुए, यहां पर काउंटर अटैक किया है बल्लेबाजों ने, 41 रन एक विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 18 रनों की जरूरत, तो द मैच इज इवनली पॉइज्ड, दोनों ही टीम्स के बीच ये टक्कर का मुकाबला है, दोनों ही टीम के लिए जानते हैं यहां पर जीत मिली तो जो पॉइंट्स टेबल है उसमें 2 महत्वपूर्ण अंक अपने नाम करने एक आसान होगा। इसी बीच गेंदबाजी की शुरुआत की है तुमसा, पहली गेंद ऑफ साइड की दिशा में हल्के हाथों से खेला और तुरंत 1 रन के लिए दौड़ पड़े, 42 रन एक विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर की गेंदबाजी में करंट रन रेट जो है 13.3 करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट अब नीचे आ चुका है 9.3, जो पहले करंट रन रेट थी वो अब रिक्वायर्ड रन रेट में तब्दील हो चुकी है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक रवैया अपनाया है, तो कहते हैं ना अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इसी बीच एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ, कुल मिला के स्कोर 43-43 रन एक विकेट के नुकसान पर, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर है उस गेंद के नीचे, जी नहीं गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए।
तो चलिए यहाँ पर जो गेंदबाज है वो तैयार थे हिम्मत और कवर के लिए। प्रताप जी आउट ऑफ सिलेबस आए और पूरी तरह से एक जो है लेखा जोखा बिगाड़ दिया गेंदबाजों का, 48 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब 9 गेंदों में 11 रनों की जरूरत, 2 का फासला, 2 रनों का ये फासला पूरी तरह से अब इस मैच में इंटरेस्ट बनाता हुआ। जबरदस्त हिट, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। यस, ये लीजिए, कहते हैं ना आसान कार्य था, 6 रन लगाए और विनिंग स्ट्रोक लगाया, 60 के ऊपर रन बना दिए हैं और